नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है गाइस 8वां दिन। और आज हम बात करने वाले हैं कि माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में, जिसमें कि हम कैसे ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, माइंडसेट किस प्रकार से धीरे धीरे डेवलप होता है, और आज के दिन मैंने क्या क्या ट्रेड की। और गाइस जो मार्केट था ना, वो बहुत ही ज्यादा आज नेक्स्ट लेवल का था, क्योंकि 2-3 दिनों से मार्केट को आप देखते होंगे एकदम से ही मतलब लपेट रहा है, सबको तगड़े लेवल से लपेट रहा है। तो चलिए आज के दिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या मैंने ट्रेड्स ली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज के दिन का क्या मेरा प्रॉफिट लॉस था। उसी के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। हमारी सभी जो हमारी सीरीज है ना गाइस, उन सब वीडियोस में कुछ ना कुछ अलग तरीके से मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ताकि आप उन चीजों पर समझ सको। एक एक पॉइंट मैं साथ में कवर करता रहता हूँ, तो आप जाके देखिए फर्स्ट डे से किस प्रकार से ट्रेडिंग में पैसा बना, लॉस हुआ, किस प्रकार से यहाँ पे पीएनएल हमारा धीरे धीरे हम रिकवर करना चाहिए, लॉस किस प्रकार से रिकवर करते हैं, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, आप फर्स्ट से देखिए तो बहुत कुछ है सीखने को, क्योंकि गाइस सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ, लॉस प्रॉफिट सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और आज के दिन गाइस आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की चीज थी। मार्केट जैसे ही ओपन होता है पूरे दिन अगर आप देखो तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही 3 जबरदस्त तेजी की कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर यहाँ आप देखते हो तो ये एक तरह का जो भी लोग सेलिंग की पोजीशन बना लिए होंगे उनका सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे आज के दिन, कि यार कल के दिन मार्केट डे लो के आसपास क्लोजिंग हुआ और आज के दिन मार्केट डे लो पे भी ओपन हुआ, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन पाया क्योंकि मार्केट ओपन होते ही सबका SL हिट गया। उसके बाद मार्केट पूरे दिन एक इतनी नैरो रेंज के अंदर साइडवेज हो गया, एक कैंडल, तो ये पूरा देखिए टाइम डिके चल रहा था, जिससे कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे खरीदता है बेचता है तो वो ट्रैप हो रहे थे। ठीक है, उसी के बाद मार्केट ने आज जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये जोन आप देख सकते हो, इस जोन को ब्रेक डाउन किया और बहुत सारे नए यहाँ पे एंटर हुए होंगे जो सेलिंग की पोजिशन बना रहे होंगे सेलर्स। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए और मार्केट डायरेक्ट उनके SL खाने निकल चुका, तो जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट में वीकनेस दिखाई दे रही थी और उन्होंने जगह जगह एंट्री ली थी, सभी के स्टॉप लॉस एक साथ खाए, फिर मार्केट ने अपना एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है उसमें आना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जब मैं लाइव था उस वक्त आपको बताया था कि मार्केट आज के दिन लाइव 1-2 घंटा था, तो सब कुछ डिस्कस किया था कि भाई इसमें थोड़ा बहुत ट्रैप सिचुएशन ज़्यादा ही है, और अगर हम कॉल ऑप्शन का OI देखते हैं तो OI भी यही बता रहा था कि ये पूरे दिन साइडवेज रह सकता है और बायर सेलर को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि मार्केट में आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देख के पता कर सकते हो कि मार्केट में क्या सिचुएशन रह सकती है। अगर आपको चार्ट पे कुछ और दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो है कन्फ्यूजन वाला। कन्फ्यूजन जब मार्केट में हो तब हमें उन ट्रेड लेने से दूर रहना चाहिए, और इस प्रकार से जो भी नए बंदे हैं वो मार्केट में धीरे धीरे यहाँ पे देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो भाई निफ्टी 50 में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और मैंने एक बाइंग की पोजिशन बनाई, वो क्यों बनाई थी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही रिकवरी बनाने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी में क्या है कि बहुत सी बार मैंने देखा है मार्केट कि जब भी गैप डाउन होता है बहुत जल्दी मार्केट रिकवर कर जाता है और अच्छा पैसा बनता है, तो उसी लॉजिक से भाई ने ट्रेड ली और भाई का यहाँ पे कट गया SL, और फिर क्या है SL उड़ गया हमारा निफ्टी 50 में, और उसी के बाद मैंने इसको अवॉइड कर दिया क्योंकि मॉर्निंग सेशन में मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं लिए। ये ट्रेड थी जब मैं लाइव चल रहा था और लाइव में सब कुछ अपडेट कर रहा था। ठीक है, अब होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद निफ्टी 50 में हम जब भी चार्ट का डेटा देख रहे थे ना, तो उसमें OI था और चार्ट में और फ्यूचर चार्ट, इन तीनों चीजों के बारे में बताता हूँ। निफ्टी का जो चार्ट है वो था यहाँ पे बीरिश, बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो था बिल्कुल साइडवेज टू बुलिश चार्ट। ठीक है, लग ऐसा रहा था बैंक निफ्टी कि यार तेजी में जा सकते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन डेटा था अपना OI पुट कॉल रेशियो, वो निफ्टी 50 में था, वो भी बीरिश ही था, है ना। मतलब
निफ्टी में तीन चीजें कंफर्म कर रही थी कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आप देखिए मार्केट धीरे 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 गिरा गिरा गिरा, ऐसा लग रहा था ठीक है, एक पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट ने डे लॉन्ग ब्रेक किया। यहाँ पे जो भी सेलर्स एंटर हुए हैं सेलिंग के लिए, उन सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया मार्केट ने ठीक है। उसके बाद सबका ऑब्वियसली ये पास का स्विंग है, तो यही उनका स्टॉप लॉस था और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने खा लिया ठीक है। अब गाइज मार्केट क्या करता है, गिरने के बाद थोड़ा बहुत रिकवर किया और फिर यहाँ पे सेलिंग होती है, धीरे धीरे कैंडल बनती है, वापस सेलिंग होती है। अब यहाँ पे हमें देख के क्या लग रहा है, ये चीज लग रही है कि भाई यार थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और जबरदस्त तरीके से इसमें सेलर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसने वापस सेलर्स को इनवाइट किया कि आइए मैं जाने वाला हूँ नीचे, चलिए आ जाइए, पोजिशन बनाइए, सेलिंग कीजिए, है ना। तो ये एक ट्रेप यहाँ पे बन रहा था। अब गाइस बहुत बार बुला लिया इनने ठीक है, अच्छे खासे सेलर भी आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन मार्केट ने क्या किया, जो आप देखते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, आप बहुत सारे लोग देखते होंगे कंटिन्यूशन पैटर्न, वो पैटर्न बनाया भाई साहब एंट्री होते ही यहाँ पे, तो ये गया डायरेक्ट लेने, सबका सबका एसएल गया इसने ठीक है। अब हमारी एंट्री कहाँ पर बनती थी, यहाँ पे हमें थोड़ा पता चला कि चलो यार ये एक पुल बैक है, मार्केट में मोमेंटम हो सकता है ठीक है, और उसी के साथ जो सेंसेक्स था उसने भी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाई थी, तो उसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड ले ली ठीक है। अब इसमें लॉजिक यही था कि मेरे को ये एक फेक ब्रेकआउट लगा और यहाँ पे एक क्लियर मिल रहा था कि भाई यार ये जो बंदे हैं ना ये सारे यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं ठीक है, क्योंकि गिरने वाला मार्केट आपको है ना मतलब 2 बजे तक कभी वेट करता है क्या, मॉर्निंग में गिरेगा वापस 12-1 बजे तक तो गिर जाएगा, मतलब पूरे दिन गिरने वाला गिरता ही रहेगा, लेकिन किसी का वेट नहीं करेगा ठीक है। और दूसरी चीज़ इनवाइट करके बुला रहा है ना कि आइए, तो वो चीज़ है भाई साहब। भाई ने क्या किया, भाई ने एंट्री ली और भाई गया सीधा फ्लाइट मोड ठीक है। काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, होल्ड किया इसको 1-2 कैंडल में, और ये जो लॉस था वो भी हमारा रिकवर हो चुका था और काफ़ी ठीक पैसा बना है। अब बात आ जाती है गाइस कि लॉसेस से कैसे निपटा जाए, है ना। एक चीज़ बताऊँ तो आज के दिन मेरे को मॉर्निंग में जो ट्रेड थी उसमें 1000 का हुआ, फिर 1-2 बजे और ट्रेड ली थी उसमें हमें 3000 का लॉस हो चुका था, 3000 क्या 3500 रुपये के आसपास। अब ये 3500 का लॉस रिकवर करके पैसा बनाना, वो आप समझ सकते हो कि कितना भी अलग अलग बंदे हो सबके लिए लॉस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी के ज्यादा कम, लेकिन लॉस लॉस ही होता है भाई साहब। ये जो लॉस हुआ तो भी मैं रिलैक्स था कि चलो ट्रेड कहीं पे अच्छी मिल जाएगी तो ले लेंगे वरना अवॉइड कर देंगे। जो हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, वो बात यहीं पे आती है कि भाई जब भी हमें लॉस होता है या कोई भी बंदा अगर ट्रेडर है उसे लॉस होता है, पहली चीज़ है वो होल्ड बहुत करते हैं, हमेशा लॉस को होल्ड करते हैं ठीक है, डरते भी हैं कि हाँ यार लॉस ना हो जाए, और उसी डर की वजह से लॉस को होल्ड करने लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है गाइज। ये आप देख लेना कि हमने कोई ट्रेड लिए, एसएल जितना छोटा हम काटना चाहेंगे उतना, जितना छोटा काटेंगे उतना अच्छा है। मैं ये जो चार्ट पे दिख रहा है ऐसे एसएल प्लान करता हूँ, पर मैं अकॉर्डिंग इनके नहीं चलता हूँ ठीक है, कि ये यहाँ तक आएगा, आपको पता है यहाँ तक एसएल आएगा तब तक कितना कुछ पॉइंट्स उड़ जाएंगे आपके ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाने होते हैं वो पॉइंट वाइज होते हैं, कि भाई चलो पैसे से मान लीजिए कि आपने कोई 10,000 की ट्रेड ली है, तो 10,000 का 10% आप एसएल ले सकते हो कि चलो मैं 1,000 रुपये अपना एसएल मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ ठीक है। तो अगर 1,000 रुपये आता है तो एग्जिट, ना कुछ ज़्यादा सोचना ना कुछ करना, बस आगे अपना एसएल उड़ो, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बाकी जो माइंडसेट होता है हमारा तो यही बोलता है कि भाई लॉस में हम ऐसे किया, क्या पता ये मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए और मेरी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में से लॉस से आ जाए। एक बात देखिए कि यहाँ पे अगर कोई बंदा एग्जिट नहीं करता है पैसे दे के, तो आप सोचिए कि क्या गारंटी है कि ये मार्केट वापस ऊपर जाएगा और उसको वो पैसा रिकवर हो जाएगा। कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है पोजीशन को कि आज लॉस हो गया है तो कल ले जाता हूँ, कल प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट अप ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा गाइस 10 में से 1 या 2 बार होगा,
कि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, मार्केट दूसरे दिन गैप अप हो जाए, लेकिन उससे बेटर ये रहेगा कि वहाँ 10 में से एक दो बार आप पैसा, 8 बार पैसा गवाओगे, उससे अच्छा आपने जो डिसाइड कर रखा है उस लॉस को जल्दी से दे के निकल जाना है। ठीक है, तो एक एक ही ट्रेड में ज़्यादा पैसा गंवाने से बेहतर है कि एक दो ट्रेड और कर लेते हैं। अगर आपको लॉस ही करना है तो 1,000 रुपये का इसमें हुआ एग्जिट कर लो, आपको मौका मिले तो दूसरी ट्रेड लीजिए, उसमें और 1,000 गवा दीजिए। अगर एक ही ट्रेड में आप 3,000 का लॉस ले लेते हो तो वो थोड़ी गलती हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं हर दिन इम्प्रूव करता हूँ और सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही होगा, और धीरे इम्प्रूव करेंगे तभी होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़, प्रॉफिट को होल्ड करना। एक चीज़ है, हम गाइज कोई भी अगर आप देखिए कि मान लो मैं कोई 100 रुपये का ऑप्शन बाय करता हूँ, अगर वो 110 रुपये 20 रुपये चला गया, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, हम एग्जिट करते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि हम चलो प्रॉफिट को हम टाइम से एग्जिट कर देते हैं, लॉस को हम टाइम से एग्जिट नहीं करते, ये थोड़ी गलत चीज़ है। तो लॉस को टाइम से एग्जिट करना है, प्रॉफिट को चाहे तो हम होल्ड कर सकते हैं। आज के दिन जो मैंने लिया था यहाँ पे, तो मैंने लॉस को कट किया, प्रॉफिट को होल्ड किया। प्रॉफिट को होल्ड करने के बाद धीरे 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 गया ऊपर, मैंने कहा ठीक है। बहुत सी बार यहाँ पे हमारे साथ ऐसा उल्टा होता है कि भाई हमने यहाँ पे होल्ड तो कर रखा है, हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है और जो है वो चला जाता है। फिर हम दूसरी बार क्या करते हैं, दूसरी बार ये सोचते हैं कि यार अब मैं होल्ड नहीं करूँगा, अब मैं बुक कर लूँगा। जब हम बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, तब हमें पता चलता है तो यार मार्केट में जो ऑप्शन था उसका डबल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम हर दिन मतलब मार्केट में बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। दो चीज़ें हैं मार्केट में कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले आप ट्रेडिंग कीजिए टारगेटेड, जैसे कि आप ऐसा मान लिए कि हर दिन आपको पता होना चाहिए आपको पैसे कितने बनाने। मान लो आपको 2,000 रुपये पर दिन बनाने, तो 2,000 रुपये आपका आ जाता है, तो आपको उस दिन ना तो लोभ करना है ना लालच करना है, निकलिए बाहर खुश रहिए, सोचना ही नहीं मार्केट के बारे में। लेकिन उसी दिन आपने देखा कि मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट कर रखा है और आप ये सोचते हो कि यार शायद आज मैं 2 खींच चुके 5,000 भी बना सकता हूँ, तो वो एक गलत है। क्योंकि आप धीरे धीरे आपकी कैपिटल इम्प्रूव कर दोगे, आपको अच्छा है। ठीक है, इस चक्कर में आपने जो कमाया वो भी जाएगा और लॉस हो जाएगा, और उसे कहते हैं होप, है ना, एक्सपेक्टेशन, दिलाशा। ये चीज़ें दिमाग है ना, आपको मतलब दिमाग की कभी नहीं सुनना, क्योंकि वो नहीं कहते जो युद्ध भूमि में युद्ध करे उससे पहले आपको मनोभूमि में युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, यही चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। अभी मैं बताऊंगा आपको सेंसेक्स के बारे में। अरे जो ट्रेड का आनंद है ना, वो सेंसेक्स में तगड़ा था। वैसे सेंसेक्स के अंदर मेरे को बहुत तगबियत से मतलब पैसा भी गया था, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लॉजिक बताता हूँ। मॉर्निंग में सेंसेक्स को मैंने नहीं छेड़ा, सिर्फ निफ्टी 50 को ही छेड़ा था, और उसका हर जाना मेरे को मिल गया। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट हमारे अगेंस्ट हमें पता है तो फिर उस समय छोड़ देना दिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि 10-12 बजे तो आपको देखना ही नहीं है, 12-1 बजे बाद कोई भी मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अब देखिए, मैंने जो ट्रेड ली थी यहाँ पे, एक ट्रेड बनी थी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, और थोड़ा बहुत गया था, डीके चल रहा था, मैं भी यहाँ पे हो सकता है इसी कैंडल में। हाँ ठीक है, तो इस कैंडल के आसपास ही हमारी एंट्री थी यहाँ पे, तो मार्केट गया था, फिर आया और फिर हमारा एसएल खा लिया। उसके बाद ये चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप तो सबको कर रखा है, पूरे दिन से जाता है नीचे, रिकवर कर जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दिया था पिछली बार, ये जो रेंज थी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, रॉन्ग आया, फिर आया और फिर ये गिरने लग गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप कहाँ पे हुए, पहला ट्रैप बना ये, दूसरा ट्रैप जिन लोगों ने इस लेवल पे ट्रेड की वो ट्रैप हुए, फिर मार्केट गिरा और फिर यहाँ पे वापस जाता है। तो डीके तगड़ा था और इस लेवल पे भी ट्रैप हुए, तो फाइनली एक क्लियर बात हो गई थी, मेरा एसएल हिट हुआ। मैंने कहा यार मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर लिया है, तो 100% जाने की संभावना है तेजी के अंदर। और ये भी चीज़ कंफर्म थी कि आज के दिन अगर ये निकलेगा तो जो भी मार्केट का गैप है उसको जरूर फिल करेगा ये, और ऐसा हुआ। मैंने कहाँ पे ट्रेड ली थी, तो मैं गाइज इसमें ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया था, शायद
20 25 रुपये का, 25 रुपये के आसपास खरीदा था, 35 रुपये में बेच दिया, ठीक है। उसके बाद गाइज वो ऑप्शन गया था 70 to 80 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो आता है, मैंने इसको होल्ड किया तब मेरा प्रॉफिट घटरा बढ़ रहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। 25 का 20 पे आया, 20 से वापस 25 गया, 25 से 30 गया, 30 से 32 गया और वापस 28 पे आया, ठीक है। तो बार 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 ऐसा होने से हमारा जो पेशेंस लेवल होता है वो एक टूट जाता है। हम यही सोचते हैं कि भाई जितना मिलता है वो ले लेते हैं, क्या पता ये भी चला जाएगा, और वही होती है आपकी असली परीक्षा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर थी कि ये मोमेंटम कर सकता है, पर उसमें हमारे अगेंस्ट होता है प्रीमियम, कि अगर यहाँ पे मार्केट मोमेंटम नहीं किया तो हमें पता है वो जीरो हो जाएगा, और अगर मोमेंटम कर दिया ना तो उसका कितना ही हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आएगा, सब कुछ चीज़ें हैं वो धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। तो जब आप हीरो जीरो के लिए प्लान करते हो या एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि मतलब एक टारगेट बना लीजिए। अगर आपने कोई प्रीमियम 10 पे खरीदा है, 15 पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है उठा ले, है ना। बाकी अगर हम वेट भी करते हैं तो हर बार एक्सपायरी पे इतना मूवमेंट नहीं मिलता है। आपको भी बताएं कि भाई कुछ ही एक्सपायरी होती है जो मूवमेंट्स करती है। तो आपको एक बार सबसे पहले जो परीक्षा होगी आपके खुद की होगी, आपके दिमाग के साथ माइंडसेट के साथ होगी कि भाई पैसा बनाना है या फिर गंवाना है, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस होगी। ज़्यादा बनाने के चक्कर में जो है वो चला जाएगा, और जो है उसके चक्कर में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो हर दिन परफेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए, जितना भी अमाउंट है उसका 10% 15% ऑप्शंस के अंदर आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, उसी के अगेंस्ट आप 10-15% 20% के आसपास वो बना सकते हो टारगेट का। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम वीडियो जरूर बना देंगे अलग से। वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है कर दीजिए जल्दी से, है ना। और धन ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों ये है आज का PNL हमारा 2350 रुपये के आसपास, और जो मेरी फर्स्ट ट्रेड लूज हुई थी निफ्टी 19,300 का कॉल ऑप्शन ही था, उसके बाद ये मेरी प्राइस एवरेज हो गई है जिसमें कि मैंने बुक किया प्रॉफिट 3100 रुपये। तो आप ये देख लीजिए कि मैंने इसमें जो लगभग 1,000 रुपये रिकवर करके फिर 3100 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी चीज़ है 1,356 रुपये का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर, तो इसमें भी कुछ पैसा था ना वो यहाँ पे हमारा लॉस था वो रिकवर हुआ था, तो उसके रिकवर करने के बाद 1,356 हमारा प्रॉफिट था। और ये दो ट्रेड थी जिसमें कि हमें लॉस हुआ, सेंसेक्स के एक बार कॉल ऑप्शन था जिसको कि मैंने 1,000 रुपये का लॉस दिया एग्जिट कर दिया। दूसरी ट्रेड थी पुट ऑप्शन की तरफ, उसमें भी मैंने 1,100 का लॉस दिया एग्जिट कर दिया। दोनों ट्रेड में आप देखोगे तो 1,000-1,000 रुपये का मैंने लॉस दिया है, और जो प्रॉफिट हमने बनाया है 1,300 का और 3100 का, ठीक है। तो ये आप देखिए कि जो विनिंग ट्रेड होती है उन्हें हमें होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आया हुआ पैसा जा सकता है बट गया हुआ पैसा मुश्किल से आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो मतलब लॉस को एग्जिट करने में इतना जल्दी रखिएगा कि लॉस दिखते ही एग्जिट कर सकते हो। तो लूजिंग ट्रेड को मतलब जल्दी से कट करना इसीलिए फायदेमंद होता है, और कोई भी ट्रेड अगर हमें प्रॉफिट देती तो आप खुद सोचिए कि वो एक ही ट्रेड इनफ होती है जो हमारा लॉस रिकवर करा सकती है। 3500 का लॉस मैंने आज के दिन हुआ और 3500 का ही लॉस मैंने रिकवर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आना भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ओके कल मिलते हैं और